बड़सर उपमंडल के मोरसो सुल्तानी पंचायत में भारतीय मजदूर संघ द्वारा जिला अध्यक्ष तिलक राज की अगुवाई में पौधारोपण किया गया, जिसमें करीब एक दर्जन लोगों ने भाग लिया। इस दौरान मजदूर संघ के सदस्य ने आमला, भेड़ा, आम इत्यादि के पौधे लगाए व पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लोगों से आग्रह किया। मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष तिलक राज ने बरसात के मौसम में अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ खंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक काम करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 को हुई थी। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ देश हित में बेहतर काम कर रहा है। आज भारतीय मजदूर संघ खंड स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक भारतीय मजदूर संघ आज पौधारोपण करने का अभियान जो है कर रहा है। भारतीय मजदूर संघ का मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 को भोपाल में हुई थी और आज भारतीय मजदूर संघ पूरे भारतवर्ष में प्रथम नंबर का संगठन है। प्रथम नंबर का संगठन होने का कारण भारतीय मजदूर संघ अपने नॉर्म्स देश हित में काम करेंगे। सबसे पहले तो भारतीय मजदूर संघ देश हित में काम करता है। आज भारतवर्ष जो है, आज भारतीय मजदूर संघ जो है प्रथम नंबर का संगठन का कारण यही है कि आज सबसे पहले भारतीय मजदूर संघ देश की चिंता करता है, व्यक्ति विशेष की भारत बाद में करता है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ देश सर्वोपरि मान के चलता है। हम सबसे पहले कहते हैं कि जो भारतीय मजदूर संघ के नॉर्म्स हैं, त्याग, तपस्या और बलिदान। आज कई लोगों ने जो है वो, कई कार्यकर्ताओं ने जो है वो अपना त्याग दिया, बलिदान दिया, और त्याग, तपस्या और बलिदान की परिभाषा भारतीय मजदूर संघ की रहती है। जैसे कि आज का विषय हमारा पौधारोपण का है, अगर हमारा पर्यावरण जो है वो शुद्ध रहेगा तो हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा, हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे। पर्यावरण आज जो है हम खंड स्तर से लेकर के केंद्र तक जो है उसको मना रहे हैं। आज का जो हमारा ये भोटा पंचायत, जो हमारी कौन सी अपना मोरसो सुल्तानी पंचायत में जो हम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे मना रहे हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस महामारी, जो वैश्विक महामारी फैली हुई है, मैं परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि इससे भी हमें छुटकारा मिले, ताकि हम सब लोग अपना जीवन जो है वो जिस तरह पहले जीते थे, बड़े आराम से जीते थे, तो उसी तरह जिए। और हमारा देश, पूरा भारतवर्ष, पूरा वर्ल्ड जो है वो इस बीमारी से जूझ रहा है, तो आज हमें देश की भी चिंता है। हमें, मैं तो ये आगाह करूंगा इस मंच के माध्यम से आज, कि हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, खुद बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा करके, और तरह तरह के जो हमें जो नॉर्म सरकार की द्वारा जो हमें इंस्ट्रक्शन मिलती हैं वो सारी फॉलो करके हमें खुद अपने आप को बचना है, दूसरों को भी बचाना है। भारतीय मजदूर संघ के आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय मजदूर संघ आज पूरे भारतवर्ष में प्रथम नंबर का संगठन होने के बावजूद आज पूरे देश में, ना तो आज दिन तक भारतीय मजदूर संघ ने, ये सबसे बड़ा आपके लिए एक हर्ष का विषय होगा, सभी कर्मचारी साथियों के लिए, सभी जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए, भारतीय मजदूर संघ ने कभी एक चौनी का नुकसान जो है वो सरकारी संपत्ति को ना होते हुए प्राइवेट संपत्ति को भी कभी एक चौनी का नुकसान नहीं पहुंचाया। भारतीय मजदूर संघ के अपने नॉर्म्स हैं। तो जैसे कि आज हम ये सामने, इसकी मैं थोड़ा आपको विषय में ले जाऊंगा साथियों। मतलब ये जो आज का विषय है पौधारोपण का, ये एक खेजड़ी गांव हुआ, वहाँ पे खेजड़ी के राजा वहाँ पे हुआ करते थे, उस क्षेत्र में सैकड़ों वृक्ष काट दिए, और सैकड़ों वृक्ष काटने के बावजूद जिन लोगों ने विरोध किया उन लोगों को ही उस वृक्षों के साथ काट दिया। जब सैकड़ों वृक्ष काट दिए, सैकड़ों लोग वहाँ पे अपनी हत्या करवा दी, अपने लोग कट गए, बाद में जब एक नव विवाहित जोड़ा जब वो वृक्ष को काट रहे थे राजा के आदेश के अनुसार, तो जो उस वृक्ष के साथ वो लिपट गए, कहते पहले हमें काटिए, ये वृक्ष बाद में कटेंगे। लेकिन उस वक्त से लेकर के आज वहाँ पे जो है खेजड़ी, मतलब उस खेजड़ी गांव में जो है, एक आज भी वृक्ष नहीं काटे जाते, उस इतिहास को लेकर के आज भारतीय मजदूर संघ पौधारोपण कर रहा है। इस दिन मैं सभी को, अपने जिला स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को, केंद्र का नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को,
इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।